आज दोस्तों मैं बहुत सारे देसी अंडों के जो हमारी फार्म हाउस के अंडे हैं ऊपर, आज उन बहुत सारे अंडों की मैं अंडा पकौड़ी बनाऊंगी। पकौड़ा कहते हैं ना, हाँ अंडा पकौड़ा पकौड़ी जो भी है वही बनाऊंगी, क्योंकि आज मस्जिद में इफ्तारी के लिए ये अंडा पकौड़े बनाने होंगे। मस्जिद में बहुत सारे लोग आते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इफ्तारी बना के रोज़ा खोलने की जो इफ्तारी होती है फल फ्रूट और ये सब पकौड़ी वगैरह, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मस्जिद में इफ्तारी का सामान भेजूँ। इसलिए मैंने सोचा देसी अंडों की पकौड़ी बनाती हूँ। और फ्रूट तो काटना ही है, तो शाम के टाइम इसे रोज़ा खुलने से पहले इफ्तार मस्जिद में भेजेंगे, ताकि जो बहुत से लोग गरीब होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं मतलब, और बहुत से मुसाफिर होते हैं जो रोज़ा खुलने के लिए मस्जिद में आते हैं, बहुत से गरीब होते हैं, बहुत से के जाने वाले होते हैं रास्ते में इसे नमाज़ पढ़ते हैं, तो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती रोज़ा खुलने की, तो ये उनके लिए मतलब होती है इफ्तारी। जो अपनी इच्छा से लोग मस्जिद में सामान भेज देते हैं तो सब मिलके खाते हैं, रोज़ा खोलते हैं वो लोग सब, और इफ्तारी भी करते हैं। मैंने भी डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी अपनी मुर्गियों, जो हमारे ऊपर मुर्गी फार्म हाउस है वहाँ से मैं मुर्गियों से अंडे कलेक्ट किए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज उन सब के लिए अंडा पकौड़ी और इफ्तारी का सामान मस्जिद में पहुँचाऊँ बना के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए अंडे की पकौड़ी बनाती हूँ आज इन सब की, बहुत सारी मात्रा में, देखिए कितने सारे अंडे हैं ना इन सब की। तो अभी इन्हें हम पहले उबाल रहे हैं, अच्छे से जब उबल जाएंगे आगे की कहानी फिर बताऊँगी आपको, ठीक है दोस्तों। एक काम भी साधक अभी ये वाले राउंड वाले उबल गए हैं, अभी एक राउंड और उबालेंगे। इनको छीलेंगे और अगले राउंड वाले मंडे डालेंगे। ज़्यादा मात्रा में पकौड़ी बनानी है तो ज़्यादा अंडे लगेंगे भाई। ले लीजिए सब्जी वाले पकौड़े। अब दोबारा से और अंडे उबालेंगे। बड़े चलते परेशान है, दोस्तों अब ये दूसरे राउंड वाले अंडे हैं, अंडे उबालना है और फिर बाद में थोड़िया देखो दोस्तों ये सारे अंडे मैंने छील लिए हैं अच्छे से, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे हैं तो ये इस तरह से छीलते हैं, ठीक है। और ये रहा बेसन, बेसन में मैंने नमक मिर्च
और प्याज, अदरक और लहसुन और नमक, ये सब मिलाया है। इस तरीके से बैटर से बनाया है इसका, पतला सा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अभी अंडों से मैं पकौड़ी बना रही हूँ दोस्तों, रमजान शरीफ के लिए। ये देखिए, ठीक है, कुछ कचरियाँ भी भुनी है मैंने, जो मैंने देखो सारे में बिखरी पड़ी है ना, ये तो मैंने तैयार कर ली, क्योंकि ये भी जाएगी सारी के साथ। कुछ फ्रूट कटे हैं, अभी मैं अंडे पकौड़ी बना रही हूँ। देखिए अंडों पे बेसन लग गया मेरे हाथ से, ऐसे ऐसे करके मैं सारे अंडों की ऐसी पकौड़ी बनाऊंगी। पहले अंडों की पकौड़ी बनाऊंगी, फिर ये मिर्ची की पकौड़ी बनाऊंगी, आलू की भी बनाऊंगी, तो सब तरह की पकौड़ी बनाऊंगी। फिलहाल पहले अंडे, क्योंकि एक बार तो इन्हें ऐसे ही निकाल देंगे, दोबारा से भी फ्राई करेंगे, दो बार फ्राई करते हैं ना, और एक बार ऐसे ही निकालते हैं, ये हो गया ना। एक बार पहले ऐसे निकाल लेंगे, फिर दोबारा से एक बार और निकालेंगे उन्हें, ताकि और अच्छे से बन जाएंगे। ये सारा इफ्तारी का सामान मत दिख जाएगा, आज मैं अपने हाथों से बना के मस्जिद में जो लोग आते हैं उनकी इफ्तारी अपने हाथों से कराऊंगा। मैं मस्जिद पर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन सामान जाएगा मस्जिद में हाथ से बना। क्या दोस्तों, अगर आपको भी मेरे साथ रोज़ा खोलना है तो घर आ जाएं, तो आपको भी खिलाऊंगी मैं ये पकौड़ी अंडे की, ठीक है जी। देसी मुर्गी के अंडे की पकौड़ी दोस्तों, ये देखिए, देखिए दोस्तों एक बार तो मैंने फ्राई कर दिया इन सबको, अंडों को, अंडे का पकौड़ा। अब देखिए, अब दोबारा से फ्राई करना है इसको, एक बार हो चुकी है, देखिए ये हो गई इतने सारे माशाल्लाह से, और ये हो गया। और अभी मिर्ची की भी पकौड़ी बनानी है, मगर पहले एक बार दोबारा से इन्हें फ्राई करते हैं आराम आराम से, फिर ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम तब पकौड़ी बनाएंगे मिर्ची के हाथ मिल जाता है। एक बार और निकालते हैं ना, अच्छे से हो जाएगा। नहीं होंगे दोस्तों इतने, हम दोबारा से इसमें बेसन डालेंगे, क्योंकि हमें बनानी है पकौड़ी मिर्ची की। उसमें ये देखिए, लहसुन प्याज और अदरक, इसका पेस्ट है ये जो मैंने पीस के रखा था पहले से, ठीक है, ये डालेंगे। नमक और मिर्च ये भी डालेंगे,
ये मिर्च और ये नमक। अब इसको पानी से इसका पतला सा घोल बनाएंगे, गाढ़ा गाढ़ा सा, पतला नहीं गाढ़ा गाढ़ा सा। देखिए दोस्तों हो गया ना, अरे घोल तैयार। अब इसमें हम लोग ऐसी मिर्ची ऐसे करेंगे डीप फ्राई, अब इसे फ्राई करेंगे ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे ये अंडे तैयार हो गए हैं, ये डबल फ्राई हो गए हैं, अब ये बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। लेकिन खाएंगे हम इसे रोज़े खोलने पर, मगर ये तो मस्जिद जाएंगे, ये मस्जिद के लिए बनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नमाज पढ़ने लोग आते हैं। और वो ये नहीं कि मस्जिद में गरीब लोग ही खोलेंगे रोज़ा या कोई मुसाफिर ही खोलेगा, वहाँ पर ना सब मिलके खोलते हैं रोज़ा, अपने घर से तारी बनवा बनवा के ले जाते हैं लोग बस, और सब मिलके खोलते हैं। सात रोज़ा खोलने से सवाब मिलता है और प्यार बना रहता है। कुछ घर पे खोलते हैं, घर पे भी खोल लेते हैं, ऐसे नहीं कि मस्जिद ही खोलें, लेडीज़ तो सब घर पे ही खोलेंगी। इसमें थोड़ी सी मैं अपने पड़ोसियों के भी पूछाऊँगी इफ्तारी, और बाकी मस्जिद जाएगी, ठीक है। फ्रूट वगैरह भी काटने हैं, अभी बहुत काम है बाबा, अभी पकौड़ी भी नहीं बनी मेरी कम्प्लीट, और फिर अभी रोज़ा खोलने से पहले सब काम तैयार करने हैं। आज मैं आपको अपनी किचन में ले आई, और मेरी किचन में सब कुछ फैला दे के गंदा पंदा हो रखा है, कोई बात नहीं बाद में साफ कर लेंगे रोज़ा खोलने के बाद। हाँ तो मैं कह रही थी मस्जिद में सब प्यार से रोज़ा खोलते हैं एक साथ बैठ के, वहाँ पे अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, अल्लाह की नज़र में सब समान है, चाहे कितना अमीर हो चाहे कितना ही गरीब हो, नमाज सब साथ में पढ़ते हैं, रोज़ा भी साथ में खोलते हैं, लोग बहुत खुश होते हैं साथ में खोलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से मस्जिद में बना के इफ्तारी भेजूँ ताकि लोग खाएं। मैं तो मस्जिद नहीं जा पाऊँगी क्योंकि लेडीज़ नहीं जाती है रोज़ा खोलने का टाइम, लेडीज़ नहीं है शाम में लोग, तो मैं बना के इफ्तारी सारा सामान तैयार करके अपने हस्बैंड के हाथ भेज दूँगी, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों देखिए फ्रूट भी आ गए हैं, ये केले हैं, अंगूर है, पपीता है, तरबूज है, तरबूजा वाटरमेलन, और ये है तरबूजे, ओके। और देखिए मैंने बहुत सारी कचरी भी होनी है ना, ये भी सब जाएंगे, मैंने इसमें भर दी, भर रखें चाहिए सबके लिए। अभी इनकी कटिंग करेंगे हम लोग उबले हुए, ठीक है। और ये हैं बगैर छिले, ये छिल गए हैं सारे अंडे। अब हमारे हस्बैंड साहब बताएंगे कि अंडा छिलते कैसे हैं, बताएं कैसे, इस वाले को छिले, इस वाले को छिले सर, फिर छिल गया, ड्रामे से छिला ड्रामे। देखिए दोस्तों सारी पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, अब इसमें मिर्ची की जो मैंने पकौड़ी बनाई थी वो भी मैंने इसमें डलवा रही हूँ, मस्जिद जा रहा है सामान। और ये देखिए मैंने इफ्तारी काट ली, और कुछ और काटने हैं फ्रूट अभी, ये कचरियाँ, कचरे तो इसमें भी बहुत सारी हैं नहीं, और ये पपीता, और ये अभी और काट रही हूँ, ये सब सामान अब मस्जिद जाएगा। ये हो गई हमारी पकौड़ी तैयार, और ये हमारी हो गई इफ्तारी, सारी मस्जिद जाएगी अब बड़े बड़े बर्तनों में जाएगी, क्योंकि छोटे में नहीं जाएगी, ठीक है। और कुछ काटना बाकी है ये इसमें रख लेते हैं। ओके